पंकज पटेला जी, एक बार फिर आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर मैं पीपल समाचार उठा के देखूं तो 7वां पेज नंबर, उसमें एक रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है कि अब 90% से अधिक वैक्सीनेटेड गांवों की जो सूची है वो यहाँ पे तैयार की जा रही है, यानी कि 27 ग्राम पंचायतों में अभी तक 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इस खबर को किस तरीके से दिया गया है बाकी अखबारों में? हालांकि दो दिन पहले अखबारों में छपी थी हमारे यहाँ, जब वैक्सीनेशन अभी बंद है, लेकिन ये सही पीपल समाचार ने सही खबर छापी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में ग्रामीणों पर, ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत तेजी से फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो पहला सेशन था इसका, दूसरा सेशन था वैक्सीनेशन का, उसमें गांव छूट गए थे उसमें काफी जोर उसमें, और ये खबर बाकी बहुत अच्छी है। मैं एक खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, नई दुनिया ने छापी है। अभी मैं वाइल्ड लाइफ के तस्करों की बात कर रहा था, तो बालाघाट की खबर है कि कान्हा के जंगलों में नक्सली जो है कैंप लगाने के प्रयास कर रहे हैं। ये इनको उसमें, इनका जो नक्सलियों का जो इनकी जो सेंट्रल कमेटी इनको वर्किंग प्लान देती है साल भर का, और अब उनको ये प्लान लाएंगे आपको यहाँ कैंप लगाना है। ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार हॉकफोर्स और जो सुरक्षा बल है वो जंगलों में सर्चिंग करके और इनको नक्सली को तलाश कर रहे थे, लेकिन अब ये नई खबर आई है कि वहाँ नक्सली अपना कैंप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। दूसरा भी नकली रेमडेसिविर की मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें जबलपुर में जो सबसे बड़ा मामला पकड़ा था, सिटी हॉस्पिटल का जो मालिक है और विश्वंदु परिषद का पदाधिकारी भी था सरबजीत सिंह मोका, उसको गुजरात पुलिस अब लेके जा रही है। मतलब ये पूरा मामला जो है नकली रेमडेसिविर का, जो मेन रेमडेसिविर की, नकली रेमडेसिविर की जो फैक्ट्री पकड़ी थी गुजरात में, अभी इसकी पड़ताल वहां होगी और इन आरोपियों को गुजरात ले जाके पूछताछ की जाएगी, तो नए नए खुलासे होने की इसमें संभावना है, अखबार ऐसा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।